उत्तर बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच में सुविधा का घोर कमी। आपातकालीन सेवा में फर्श पर किया जाता है इलाज, परिजनों ने जताई नाराजगी। उत्तर बिहार के सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच की बदहाली किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और सरकार इसकी बदहाली में सुधार के बदले पर्दे डालना हमेशा ठीक समझते हैं। वही बता दें कि सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के आपातकालीन सेवा की जो तस्वीर सामने आई है, वह एक बार फिर सरकारी बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। हालात यह है कि इमरजेंसी सेवा में मरीज को एक स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। मरीज को गोद में उठाकर इधर उधर परिजनों ले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ इमरजेंसी में इलाज कराने आए मरीज को एक बेड भी नसीब नहीं होता है। तो पंखा और बिजली की सुविधा के बारे में बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ फर्श पर जमीन पर लेटा करके इलाज करते हैं। फर्श पर लेटकर इलाज करा रहे राजेंद्र पासवान ने बताया कि मधुबनी जिले के बिस्फी गांव से डीएमसीएच आए डॉक्टर साहब ने तो देख लिए, लेकिन उन्हें एक बेड भी नसीब नहीं हुआ है। इस कारण से 1 से 1.5 घंटे से अपने चाचा को जमीन पर ही लेटा करके दवा पानी दे रहे हैं। कोई व्यवस्था नाम की यहाँ चीज नहीं है। आए हैं बेड है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई व्यवस्था नहीं है बेड का, तो क्या करें? नीचे पता, नीचे रखो। क्या बोला नीचे रखो? वो स्टाफ लोग बोलता है। कितना देर से नीचे रखे हुए हैं? कम से कम 1 घंटे से। कहाँ से आए हैं? बिस्फी ब्लॉक मधुबनी जिला। आपके कौन है मरीज? मेरा चाचा जी है, मेरे पापा। क्या नाम है मरीज का? फकीर पासवान। कौन सी का प्रॉब्लम है? इनको जो है ना अंदर थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है, ठीक है। इमरजेंसी में भीड़ बढ़ने पर जो है फर्श पर मरीज का इलाज हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? इमरजेंसी में CCW जो हमारा था पुराने सर्जिकल बिल्डिंग में, लगभग 60 बेड का था। उसको पुराना जर्जर था, इसके चलते उसको हटा दिया गया, तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं 30 बेड का। थोड़ा सा कम पड़ रहा है और फ्यूचर में हम लोग बात कर रहे हैं जब फैब्रिकेटेड CCW बन जाए भी सदा के लिए, जब तक सर्जिकल भवन हमारा नहीं बन रहा है और CCW, तब तक फैब्रिकेटेड हम लोग बात कर रहे हैं विभाग से। और जिस दिन पेशेंट का नंबर बढ़ जाता है तो वेट एंड वॉच में थोड़ा सा फर्श पर तो नहीं देख लेते हैं, फर्श पर नीचे नहीं रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था हम तुरंत करवाते हैं। और वेट एंड वॉच में रहता है, जरा सा सुधार हो गया तो वार्ड में उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। अधीक्षक से पूछा गया, वही जब इस बारे में अस्पताल अधीक्षक मणिभूषण शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने दबी जुबान यह माना कि यहाँ फिलहाल आपातकालीन सेवा में मरीजों को रखने में असुविधा हो रही है। सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। कोई भी अगर सरकार से द्वारा कुछ दिया जाए, व्यवस्था किया जाए, तभी यहाँ पे डॉक्टर जो है और बेहतर कर सकेंगे। हालांकि डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी फर्श पर लेटे हुए मरीज पर इलाज करके निभा तो लेते हैं, लेकिन सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था तो सरकार को ही करनी पड़ेगी।